What's up everyone? This is Heather Kazmi. This is Nania Kazmi. Welcome to an amazing video of This CHNDDX. Well, आज हम रामचरण की फाइट सीन के ऊपर रिएक्ट करेंगे. ये वुडू मूवी की है पावरफुल फाइट सीन रामचरण की. देखते हैं, इसकी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो हमने कहा हम क्यों ना रिएक्ट करें. वह हमने रामचरण सर की अभी लेटेस्ट मूवी आने वाली है NTR के साथ, वो है उसका नेम मेरे माइंड से निकल गया RRR. वेल उसके अभी काफी तैयारियां हो रही हैं, अभी तक रिलीज नहीं हुई तो वेल बातें बहुत होगी. ये सीन हम करते हैं स्टार्ट. लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले. अरे ओ बुढ़ाओ इधर आ. इस इलाके में 18 साल से ऊपर के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका साइन इस पेपर पर ले. ये पूरा इलाका धर्मा भाई को चाहिए. इस पेपर पर यह लिखा है कि तुम लोग ये पूरा इलाका धर्मा भाई को दे रहे हो अपनी मर्जी से. भैया कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी, हमें बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे. अच्छा एक रास्ता है मेरे पास, अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे, शादी की क्या जरूरत है. कहाँ है तेरी बेटी, कहाँ है. किसी और को कोई प्रॉब्लम है साइन करने से. 2 दिन का वक्त देता हूँ तुझे, 2 दिन में सारे बस्ती वालों के साइन हो जाने चाहिए वरना तुम लोगों के अंगूठे काट के खुद ठप्पा लगा दूंगा. शादी की जल्दी मत करो, अगर जिंदा रहे तो शादी कभी भी कर सकते हैं. आ जाओ. क्या हुआ बाबा. पेपर्स पे साइन करते. साइन कर दूं? लेकिन क्यों. भूखा यहाँ आया था, उसने कहा है कि 1 महीने में जगह खाली कर दो. जगह खाली कर दे, लेकिन ये तो हमारी जमीन है, यही पैदा हुआ हूँ, यही पला बड़ा हूँ. न जाने कितनी मुश्किलें सहकर दिन रात एक करके पाई पाई जोड़कर आपने ये होटल खोला है. अब ये जगह छोड़कर हम सब कहाँ जाएंगे. चरण तू क्यों चुप है. अब रोने से क्या फायदा. कॉलेज में किसी के साथ कुछ बुरा होता तो तू सह नहीं पाता था. आज तेरा सब कुछ छिन गया और तू रोने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा. कैसी बेबसी है ये. यहाँ हजारों लोग हैं, जा बुला के लाओ से, जा. वो हम सबको मार डालेगा. वैसे भी जिंदा लाश ही तो हो तुम सब. उसके डर से, उसके खौफ से तुम हर रोज न जाने कितनी मौतें मर रहे हो. देख चरण, तू उनको नहीं जानता. ये कॉलेज की लड़ाई जितना आसान नहीं है. वो धर्मा है. धर्मा है तो क्या हुआ, हाँ? वो भी एक इंसान ही है ना. अगर वो 100 मारेगा तो हम एक भी नहीं मार सकते. बेटा, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है. हम उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते. हम हमेशा से दबके जिए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे. लानत है ऐसी जिंदगी पर. मैं पेपर पे साइन नहीं करूंगा. चरण बिल्कुल सही कह रहा है, हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते. किससे मुकाबला करने की बात कर रहा है, हाँ? देख उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया छिन गया. बड़ा आया उन लोगों से मुकाबला करने वाला. सुनो, इसे घर ले जाओ. चलो बेटा. बेटा तुम घर जाओ, हम गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दो. जाओ. होता है
मिस्टर धर्मा, 25 एकड़ की जमीन में हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बनने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3,00,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, आप तो रातों रात अरबपति बन जाएंगे। भाई बस्ती से कोई लड़का आपसे मिलने आया, ए आजा। आपने हमें 1 महीने में अपनी बस्ती खाली करने के लिए कहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, भूल जाओ। बाप का राज समझ रखा है क्या? वो हमारी जमीन है और हम उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। धर्मा, आज से पहले उस दरवाजे से अंदर आने की किसी ने हिम्मत नहीं की थी, आज यहाँ मैं आया हूँ, कल कोई और आएगा, फिर कोई और, धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, तब तेरी मौत का तमाशा देखूंगा मैं। तेरी बात में दम है, बगावत की एक भी आवाज अगर मेरे घर से वापस लौटी तो न जाने और कितनी आवाजें उठेंगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। ए बकार, सैकड़ों हजारों यहां आएंगे, आने दो, अगर किसी में हिम्मत है तो इस दरवाजे के अंदर आकर इसकी लाश ले जाके दिखाए मुझे, देखते हैं किसकी मौत आई है। तुमने देखा ना बेटा, उनके खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा क्या होता है, बाहर डाला मेरे बेटे को, इतना बदनसीब हूं कि बेटे का चेहरा तक नहीं देख पा रहा, जिंदा लाश हो गई उसकी मां। हम गरीबों की तकदीर में यही लिखा है बेटा, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाऊंगा। कहां रहता है वो? ए चरण, रहने दे, जल्दबाजी में कदम मत उठा धर्मा। बास, 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 बास। कहां रहता है वो? What?
गलती कर दी तूने, मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। एक घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है। धर्मा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका हश्र यही होगा। उस दिन लोगों के सामने मेरा बेटा नहीं था, उनकी उम्मीद की नई किरण थी। जो उसे पराया समझते थे, वो अब उसे पलकों पर बिठाने लगे। इमोशनल भी था स्टार्ट में और एंड पे, बट बहुत जरूरी था ये मार कुटाई होना। रामचरण सर जब गए और एटलीस्ट कोई 30-40 बंदा तो मारा है और उठ यार, ये सीन बहुत मुश्किल था क्योंकि बारिश में पानी में ये सीन करना, और किस किस तरह से मारा उठा के दीवार पे फेंका है, वो पाइप जिस एवरेज लाइन का जो पाइप आ रहा होता है वो भी टूटता है, उठाते हैं जहाँ पे वो क्यारी गार्डन होता है उस जगह से वो तारों वाली रस्सी उससे भी मारते हैं, कुल्हाड़ी से भी, छुरी से भी, और उसके अलावा वो तलवार से भी, फाइटिंग इतनी की है बारिश में कि इवन जब उठा के नीचे फेंका वो टाइल्स भी टूट गई थी। और शुरू में वो जिस तरीके से वो कहता है ना कि यहाँ से अगर तू इस तरह चला गया तो लोगों में खौफ नहीं रहेगा, तू जाएगा नहीं और तुझे कोई लेने नहीं आएगा लाश को, पर वो फिर सर आते हैं, चरण सर आके लेके जाते हैं लाश को। और एट द एंड वो जैसे वो एक डायलॉग आया था कि इस दिन लोगों में उम्मीद जागी थी कि चलो कोई तो आया है जो के, और आखिर में पेपर्स भी जला दिए उसके, तो या ऐसे जो गुंडे टाइप लोग होते हैं ना उनके लिए ऐसे ही लोग होना जरूरी है कि जो मतलब जो आप सबसे पहले तो आपको अपने हक के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो ना स्टार्टिंग में अगर वो लड़का मर रहा भी है ना तो बहुत उसने अच्छा किया कि कम से कम डर डर के अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए जाके बताया और हिम्मत की उसने, तो ये ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। और आई होप कि आपको ये सीन अच्छा लगा, बहुत मजे का एक्शन सीन था, जबरदस्त तेज बारिश में एक्शन सीन देखने का बड़ा ही मजा आ रहा था कि उठा उठा के मारे जा रहे थे, वो आखिर में कहते हैं एक क्या 100 भी आ जाए सबका यही हाल होगा। तो आपका जो ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, रखते हैं आप अपना ढेर सारा ख्याल, चैनल को बनना लाजमी सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर।